बताइए आपकी क्या समस्या है। सर हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा जो मतलब जो जेई है कुटी पे और जो हमारे डीलर हैं वो दोनों की सहमति के कारण ना हमारा मीटर नहीं लग पा रहा है। वो लोग 15,000 रुपए मांगते हैं हम लोगों से और रिचार्ज वाला मीटर लगा रहे हैं, हमें रिचार्ज वाला नहीं लगवाना है। डिवीजन 3 में तैनात अधिशासी अभियंता नीरज यादव गरीबों को अंधेरे में रहने पर कर रहे हैं मजबूर। गाजियाबाद पविवीनिली डिवीजन 3 में तैनात अधिशासी अभियंता नीरज यादव के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपनी कलम की ताकत का गलत उपयोग कर अपने चहेते उपखंड अधिकारी व अवर अभियंता आशीष रतन जिन पर विभाग को क्षति पहुंचाने, विभाग की आंखों में धूल झोंकने के मामले में कई विभागीय जांचें चल रही हैं के कहने पर आम जनता को अंधेरे में रहने पर मजबूर कर रहे हैं, जिसके चलते आम गरीब लोग अंधेरे में अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। ये सब आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि जो लोग अंधेरे की उस काली रात में रह रहे हैं वो लोग लगा रहे हैं, जिसमें उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने न्यू डिफेंस कॉलोनी में बने फ्लैट जिनका खसरा नंबर 703 S1 SF प्लॉट A28B न्यू डिफेंस कॉलोनी है। इस खसरे नंबर पर बनी बिल्डिंग में रह रहे लोगों का आरोप है कि अवर अभियंता आशीष रतन ने हम लोगों से पोस्ट पेड कनेक्शन देने के एवज में 15,000 प्रति कनेक्शन की डिमांड की है। लोगों ने कनेक्शन के एवज में जब अवर अभियंता आशीष रतन को पैसे नहीं दिए तो उन्होंने कनेक्शन देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि मिस्टर रतन द्वारा ही अभी कुछ समय पहले अन्य बिल्डिंग्स पर दर्जनों पोस्टपेड कनेक्शन दिए गए हैं। परंतु इन लोगों से खार खाए बैठे अवर अभियंता ने इन लोगों को अंधेरी रातों में रहने के लिए मजबूर किया हुआ है, जब इस पूरे मामले की जानकारी अधिशासी अभियंता नीरज यादव व उपखंड अधिकारी को दी गई तो उन्होंने भी मामले में कई दिन तक आश्वासन देकर लोगों को घुमाया और कहने लगे कि हम लोग इन लोगों को प्रीपेड कनेक्शन देंगे चाहे ये लोग कुछ भी कर ले। अब सोचने वाली बात यह है कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले कितने बुलंद है कि यह लोग साफ सुथरी छवि वाली ईमानदार सरकार को बदनाम करने से जरा भी बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कनेक्शन देने से मना नहीं किया जा सकता, परंतु इसके विपरीत भ्रष्टाचार में अपनी जड़ें मजबूत करें बैठे डिवीजन 3 में तैनात अधिकारी अपने मंसूबों में आए दिन कामयाब होते नजर आ रहे हैं। वैसे पूरे मामले की शिकायत विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन गरीब लोगों को कब तक इंसाफ मिल पाता है या फिर यह लोग ऐसे ही काले अंधेरे में बैठे रहेंगे। जल्द ही डिवीजन 3 में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का खुलासा सबूत के साथ किया जाएगा। नहीं, आप पोस्टपेड मीटर चाहते हो? अच्छा, हम पोस्टपेड मीटर चाहते हैं सर जी। आपका सर, हमारा भी यही कहना है कि हमारी बिल्डिंग में पोस्टपेड मीटर ही लगाए जाए, क्योंकि प्रीपेड मीटर का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और ये लोग सब जई और पप्पू ये मिले हुए दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि दोनों के दोनों की प्रीपेड मीटर लगाए इनको। हम चाहते हैं कि पोस्टपेड मीटर लग जाए। हमारी एक छोटी सी बिल्डिंग है, इसमें हमारे पोस्टपेड मीटर लग जाए सर, हम उसमें कहाँ से देंगे पहले बिल उसमें रिचार्ज वाले मीटर में? आ रहा है सर, उसका ज्यादा यूनिट आ रही है, ज्यादा आवास योजना से तो फ्लैट लिया है, हम प्रीपेड लाए कहाँ से? अच्छा, तो सर हमें या तो हमारा फिर हमें कनेक्शन ही ना दिया जाए, फिर हम अंधेरे में। एक तो सबसे बड़ा आरोप तो बिजली विभाग के ऊपर ये भी है कि आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर 9 फ्लैट बने हुए हैं, उसी में और एक ही मीटर 2 किलोवाट का जो आप मीटर बता रहे हैं उसी के आधार पर पूरी बिल्डिंग को चलाया जा रहा है, ये भी आपका आरोप है। 1.5 साल से जब कोई भी बड़ा अधिकारी वहाँ पे मौके पे नहीं पहुंचा, आता ही नहीं था। एक दो बार बिजली भी कटी बीच में बिजली कटने के बाद ये 20,000 रुपए जमा कर, फिर बिजली चालू करवा दी। अच्छा, तो वहाँ से जो मीटर चल रहा है उसमें भी अधिकारी आपसे कुछ लेके जाते हैं? हाँ, अधिकारी कहते हैं 200 रुपए में वो तो उसके लिए तार जोड़ने के लिए। अच्छा, और हर महीने कितना लेते हैं आपसे? हर महीने 1,000 रुपए। 1,000 रुपए कौन, बिजली विभाग से कोई आके लेके आता है? नहीं, बिजली चार्ज नहीं आते, ठेकेदार आता है हमारा, 1,000 रुपए पर मंथ दो हमें। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ है उसी पे? उसी पे कंस्ट्रक्शन का काम भी आपका हुआ? उसमें मतलब जो गेट वेट बने, वेल्डिंग मशीन लगाई है, वो टाइल काटी है, वो सब उसी पे मीटर कटी है। तो आपके पास जो टाइलें वगैरह कटी है उस मीटर का कोई फोटो वीडियो बिल्डिंग का कोई वीडियो? वो जी अभी भी रखी है टाइल। टाइलें जो कटी है जो आपके पास उस बिल्डिंग का जो मीटर लगा हुआ है उसका कोई वीडियो फोटो कुछ है आपके पास? अभी एविडेंस फोटो नहीं खींचा। अभी जो आपके पास कोई एविडेंस हो बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग का कोई फोटो हो जिसमें वो लग रहा है मीटर के फोटो हो? हाँ है, वीडियो है, दिखाइए एक बार, कहाँ है? और सर ये जो इनकी नई बिल्डिंग बन रही है ना, उस बिल्डिंग के भी कार्य जो है ना हमारे बिल्डिंग के, दूसरी बिल्डिंग का भी काम इसी में करवाया, दूसरी बिल्डिंग का भी काम इसी में कराया, हमारे बिल पे ही करा रहे हैं। और अभी भी ऊपर जो फ्लैट तैयार होते हैं ना, सब हमारे ही बिजली के उससे होते हैं, एक ही मीटर से।
अब हमारे पास ये सब मीटर लगाए हुए हैं, सबसे इसका चार्जेस लेते हैं। अभी देख रहा हूँ एक सेकंड, इसमें चार्जेस तो कम आता है लेकिन उससे अदर हमसे फालतू लेते हैं। कितना फालतू लेते हैं? 400-500 का बिल आता है लेकिन वो लेते हैं हमसे हजारों के। अच्छा, पानी के अलग लेते हैं 300। अच्छा, ये इतने सारे जो मीटर इसमें दिख रहे हैं वीडियो में, ये सब सब मीटर हैं। अच्छा, सब मीटर आपके फ्लैटों के लिए लगाए हुए हैं? अभी 2 महीने पर लगवाए हमने। बताइए आपकी क्या समस्या है? सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा जो मतलब जो जेई है कुटी पे और जो हमारे डीलर हैं, वो दोनों की सहमति के कारण ना हमारा मीटर नहीं लग पा रहा है। वो लोग 15-15 हजार रूपए मांगते हैं हम लोगों से, और रिचार्ज वाला मीटर लगा रहे हैं, हमें रिचार्ज वाला नहीं लगवाना है। 15 हजार रूपए की डिमांड कौन करता है आपसे? सर, ये डीलर और ये क्या बोलते हैं जेई। जेई तो यहाँ पे कुटी बिजली घर पे जो है आशीष रतन। हाँ जी सर, हाँ जी, मोटे से। अच्छा, मोटे से वो आपसे डिमांड करते हैं? हाँ जी सर। और सर, हम लोग वहाँ पे जाते हैं सब लोग इकट्ठे होके, तो वो लेडीजों से बदतमीजी से बात करता है कि तुम पप्पू की बिल्डिंग से आयो तो तुम लोगों का मीटर नहीं लगेगा, आप भागो यहाँ से। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं गए? नहीं सर, वहाँ हम गए थे कुटी पे, वहाँ पे टीला मोड़। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ किसी, वहाँ पे तो एक्शन साहब बैठते हैं, एक्शन साहब से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, एसडीओ से हुई थी सर। एसडीओ साहब ने क्या कहा आपसे? सर, उन्होंने पहले बोला था कि लग जाएगा। अच्छा, लेकिन वो अगले दिन यहाँ पर आए थे तो मैं ऑफिस चली गई थी, लेकिन वो पप्पू से मिले थे तो पता नहीं इन लोगों में क्या बात हुई, तो उन्होंने एंड मौके पे मना कर दिया कि हम लोग नहीं लगाएंगे, हम रिचार्ज वाला मीटर ही लगाएंगे, वो हम नहीं लगवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मंदिर जो आपका, एक साल से आप जिस बिल्डिंग में रह रही हो सर, एक ही मीटर पे पूरी बिल्डिंग का लोड है। एक ही बिल्डिंग में जो आप नो फ्लैट आप बता रहे हैं कि आपके बिल्डिंग में नो फ्लैट है? 200 गज वाली बिल्डिंग से हूँ मैं। 200 गज वाली बिल्डिंग में, उसमें तो उसमें भी एक ही मीटर से पहले चल रहा था। अच्छा, अब अलग अलग मीटर हो गए? जी सर। और सर, हर महीने के 1000 रूपए अलग से लेते हैं। कौन लेता है 1000 रूपए? सर, ये डीलर हमारे। अच्छा, और 200 रूपए पानी का लेते हैं अलग से। अच्छा, 300 रूपए मीटर के मतलब पानी के अलग से लेते हैं मीटर के। और इन लोगों की मिली भगत के कारण हम लोगों की बिजली नहीं लग पा रही है। किसकी मिली भगत से? सर, ये क्या बोलते हैं, जेई की और इसकी पप्पू की। जो पैसे जो लेते हैं उसमें भी किसी अधिकारी की मिली भगत है? सर, ये पप्पू उसकी है, जेई की। जेई की मिली भगत है जो आपसे 1000 रूपए हर महीना ले रहे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, 15 हजार रूपए मांगते हैं वो लोग, उनकी वजह से ही हमारा मीटर नहीं लग पा रहा है। उन्हीं की वजह से मीटर नहीं लग पा रहा है। क्या नहीं कि कहने का, आपका कहने का मतलब ये कि जो उनकी हर महीने की 9 जो फ्लैट आपके बिल्डिंग में बने हुए हैं उनकी 9000 रूपए महीना की आमदनी कम हो जाएगी? हाँ जी सर। ये आपका आरोप है? हमारा मीटर नहीं लगा कर दे रहे हैं, वो एक ही मीटर पे पूरी बिल्डिंग चला रहे हैं। कई बार शिकायत, और हमने कई बार शिकायत करी लेकिन जेई बहुत बदतमीज है, बदतमीजी से बात करता है। जेई के खिलाफ कभी आपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से कोई कार्रवाई की मांग नहीं की? क्योंकि अभी आपके यहाँ पर कोयल इनक्लेव बिजली घर पर ही चीफ साहब बैठते हैं लोनी के, क्या आप कभी उनसे मिले? नहीं सर, तो हमें पता नहीं, हमें पता नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर जाते। अच्छा, ये आपका क्या कहना है इसी बारे में? सर, हमारा ये कहना है कि हमें सर पोस्टपेड मीटर दिए जाए, ना कि प्रीपेड मीटर दिए जाए। प्रीपेड मीटर नहीं, आप पोस्टपेड मीटर चाहते हो? हाँ जी।